अंबाला कालका चौक पर अंधाधुंध फायरिंग, दो की मौत, दो बुरी तरह घायल। कार के आगे कार लगाकर हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। चंडीगढ़ नंबर की है कार, पुलिस मौके पर मौजूद। अंबाला में दर्जनों राउंड फायरिंग, दो की मौत और दो घायल। कालका चौक की घटना, डीएसपी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और भोपी राणा गैंग में हुई फायरिंग। हत्यारे कार में सवार होकर आए थे, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। इसमें अभी तक हॉस्पिटल से अभी पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अभी दो तो चारा दिन है जब हो रहे हैं, दो अंदर हैं, अभी हत्यारे हैं कि वो खतरे में, लेकिन बता देंगे अभी क्लियर आपको कर देंगे थोड़ी देर में डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर। कितने राउंड फायर हुए और कौन कौन से गैंग थे इसके अंदर? लगभग दर्जन राउंड हुए, और इसमें लॉरेंस ग्रुप और वो मूवी का नाम अभी तक आया है, क्योंकि अभी तक जो मारने वाले हैं जो स्विफ्ट गाड़ी में थे उनका क्लियर नहीं है वो लोग। सर अभी तीन युवकों को भी पकड़ के लेके गए हैं, वो कौन है? अभी तीन युवकों को पकड़ा गया। अभी तक आप ये ना कहो कि सत्य आधार पे या उसके आधार पे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि असल में मारने वाले कौन है। अभी यही आई है कि भूपी राणा के आदमी वो हो सकते हैं, अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं, इसको जल्द आपको क्लियर कर देंगे। अभी क्लियर नहीं, किसी डॉक्टर की मौत है, ज्यादा की मौत नहीं, नहीं अभी तक ये डॉक्टरों ने वो भी क्लियर नहीं किया, अभी कह रहे हैं कि दो हैं, दो की डेथ होगी है, अभी ये बताया डॉक्टर अभी क्लियर कर देंगे वो आपको। जिनकी डेथ हुई है वो भूपी राणा ग्रुप के, जिनकी डेथ हुई है ये है जो मारने वाले हैं, ये है जो लॉरेंस ग्रुप के, ये अभी तक आज इसे ये पता चला। सर कोर्ट में पेशी से आ रहे थे वापस, अभी ये कोर्ट में कह रहे हैं गए थे, लेकिन किस कोर्ट में अभी ये नहीं बता पा रहे, कोर्ट से पता किया तो कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए हैं, आज ऐसी बात आई है। ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में गए थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमारे को ये बोल दिया गया है और कि आज कोर्ट में पेशी नहीं। मारने वाले हैं ये है जो लॉरेंस ग्रुप के, ये अभी तक आज इसे ये पता चला। सर कोर्ट में पेशी से आ रहे थे वापस, अभी ये कोर्ट में कह रहे हैं गए थे, लेकिन किस कोर्ट में अभी ये नहीं बता पा रहे, कोर्ट से पता किया तो कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए हैं, कोर्ट में आज ऐसी बात आई है। ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में गए थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमारे को ये बोल दिया गया है और कि आज कोर्ट में पेशी नहीं। सर 12 साल बाद अंबाला में गैंगवार की फिर से दस्तक हुई है, क्या पुलिस की के पास इनपुट नहीं था कि ऐसा कोई हरकत अंबाला में हो सकती है? अगर ये होती पहले तो हम होने ही क्यों देते, ये बात ऐसी नहीं थी। जो ये मुकदमा है कालका चौक पे पुलिस है, ये मानने वाली बात है। जैसे आप देख रहे हो कि वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी का एक ढेर था सड़क से इस किनारे, जहाँ गाड़ी आहिस्ता हुई वहाँ जो ये अपनी व्हीकल चले हुए थे वो किसे के थोड़ा चल रहे थे आराम से। कालका चौक पर सीसीटीवी लगा हुआ है, क्या उसको करेंगे हम सब एसपी करेंगे, उसके लिए टाइम चाहिए ना, वो हम इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, वो करेंगे। लगभग ये भी बात आई है कि दर्जनों राउंड हुए हैं। सर कट्टा बरामद हुआ है, ये जो राउंड फायर है ये पिस्टल के हैं? अभी इसका एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कुछ राउंड मिल रहे हैं, उससे मिले जुले हैं, क्योंकि दो आदमियों ने ये लगाया वहाँ, दो आदमियों ने फायर की है, अभी तक यही आई है, और एक आदमी गाड़ी में। अभी प्रत्यक्ष दर्शी जो थे उन्होंने यही चीज बताई है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, कौन से रोंद हैं, किस वेपन से चले हैं, वो आगे का। नहीं अभी हमारी नॉलेज में यह नहीं आया। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।